بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اما بعد فاعوذ باللہ السميع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم وقال اللہ تبارک و تعالی وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ذی وقار معزز سامعین محترم, جمعۃ المبارک دا عظیم دن ہے. اور خطبہ جمعہ سنن لئی فریضہ جمعۃ المبارک نو ادا کرن لئی اسی آئے ہاں. دعا ہے کہ اللہ تعالی اج دی یہ حاضری قبول کر کے جمعۃ المبارک دے اس عظیم دن دی برکت دے نال ساڈے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے. قرآن پاک دیاں دو آیات جو خطبہ مسنونہ تو بعد میں گناہگار نے تلاوت کیتیاں نے, یہ دونوں ایتاں بڑیاں مشہور نے, بڑیاں معروف نے, اور اکثر خطباء انہاں دی تلاوت کردے ہیں. سیرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم عنوان تے میں کچھ گلاں تساں احباب دے سامنے عرض کرنا چاہنا. اللہ کچھ کہن دی توفیق عطا فرمائے اور میرے سمیت جتنے دوست احباب تسی تشریف لے آئے ہو, معززات مکرمات ماماں اور بہناں, اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. اللہ مالک الملک دیا مرضیاں نے, او پروردگار چاہے تو مصر دیا منڈیاں دے اندر وکن والے بردے نو مصر دا بادشاہ بنا دے, اور اس اللہ دیا مرضیاں نے کہ مکے دے اندر محلہ محلہ دے اندر یتیم پیدا ہون والے محمد نو سارے دنیا دا سردار بنا دے. بات میں تھوڑی جی پیچھے لے کے جانا. سردار عبد المطلب قریش دے بہت بڑے سردار سی, نبی علیہ السلام دے دادا جان, اپنے سب تو چھوٹے بیٹے عبداللہ نو ویاہ کے لے آئے.
मालिकुल मुल्क दिया मर्दिया ने चंद दिन घर आबाद रहा ते सरदार अब्दुल्ला फौत हो गए, दुनिया छड़ गए। जवानी दी मौत जदों हुई ना, मक्के दा हर बंदा अल्लाह अल्लाह करदा, आजजी दे कलिमात कहिंदा, अल्लाह तो डरदा, ते नाले आंदे वेखो यार बुढ़ा बाबा अपना जवान पुत्र व्याह के लिए है, ते पुत्र नू अल्लाह ने ज्यादा देर मोहलत नहीं दिती, बाबा पुत्र दियां खुशियां नहीं वेख सकिया। सरदार अब्दुल मुतलब दा कबीला बरादरी शरीका मामे जाद चाचे जाद जदो इन्हां नू वेंदे ने ते ढाई मार दे। सैयदा आमिना नबी पाक दी वालदा मोहतरमा जवानी अंदर बेवा हो गई, अल्लाह रब्बुल आलमीन दियां मर्दियां उजड़िया नू वसा दे ते अल्लाह दा इख्तियार है, वसदिया नू उजाड़ दे ते ए भी अल्लाह दा इख्तियार। अपनी हवेली दे अंदर, अपनी चार दीवारी दे अंदर बीबी बड़ा अल्लाह ने दे सामने रोंदी है, गिड़ गिड़ांदी है, ढाई ते निकलदियां होणगियां कि अल्लाह तू मैनू बड़े वड्डे खानदान दी नूह बनाया, बड़े वड्डे सरदार दी बीवी बनाया, पर ज्यादा देर मेरियां खुशियां नहीं चलिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर उस बीबी दे हौकियां नूं उहदियां हावां नूं इस तरह रंग लाया कि अल्लाह पाक ने बीबी आमिना दे घर दे अंदर सारी दुनिया दा सरदार मुहम्मद रसूलुल्लाह पैदा फरमाया। बीबी दियां मिन्नतां, बीबी दियां समाजतां, बीबी दियां दुआवां अल्लाह ने सुनिया, क्योंकि कुरान आंदा है ना, फरमाया अम्मयु जीबुल मुस्तर्रा इदा दा, अम्मयु जीबुल मुस्तर्रा इदा दा व यक्षिफु सो व यजअलुकुम खुलफा अल अर्द अइलाहुम मअल्ला कलीलं मा तज़क्करो। अल्लाह पाक दा कुरान दसदा है, अल्लाह पाक ने फरमाया मजबूर ते लाचार बंदा, मुसीबतां दे अंदर, दुखां दे अंदर घेरिया होया बंदा या बीबी, इन्हां दियां मजबूरियां सुनन वाला कौन? सिर्फ अल्लाह। दुखियां दे दुखड़े सुनन वाला कौन? सिर्फ अल्लाह। अल्लाह फरमांदे ने मुसीबतां दियां मुसीबतां दूर करन वाला कौन? सिर्फ अल्लाह। परेशानां दियां परेशानियां दूर करन वाला सिर्फ अल्लाह। अल्लाह फरमांदे ने मैं तेरे रब ने हावां सुन लिया, मजबूर दियां सुनदा ते तेरा अल्लाह सुनदा है, तंदुरुस्त बीमारां दियां सुनदा ते अल्लाह सुनदा है, अपणियां दियां भी सुन, बेगानिया दियां भी सुनदा, अरबियां दियां भी सुनदा, अजमियां दियां भी सुनदा। बीबी आमिना अपनी हवेली दे अंदर, अपनी चार दीवारी दे अंदर जिदी दुनिया उजड़ गई, सिर दी चादर लै गई, अल्लाह नाल काला मिलाइया, अरशां दे खालका मेरे हिस्से दियां खुशियां बड़ी जल्दी खत्म हो गईयां, मैं नुमाणी दा की बनेगा। अल्लाह सफर बड़ा लंबा जवानी सिर दे उत्ते, अल्लाह मेरे मामलात किवें चलणगे? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बीबी दियां हावां नूं रंग लाया। अल्लाह फरमांदे ने बीबी असा तेनू बड़ा सोहना लगते जिगर अता करने वाले, खालके कायनात ने फिर उस बीबी दे घर दे अंदर ओ पैगंबर पैदा फरमाए जिदे बारे रब ऐलान फरमा रहा वराफाना लका जिक्र
वरफाना अल्लाह का जिक्र कर सोनिया तुहाडा चर्चा बुलंद कीता तुहाडा जिक्र बुलंद कीता तुहाडा शान बड़ा तुहाडा मुकाम बड़ा तुहाडे नाम नु उच्चा कर दिता केड़ा पैगंबर अता फरमाया फरमाया या अयो नबियो इन्ना अरसलना का शाहिदन व मुबशिरन व नदीरा व दाइयन इलल्लाह बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। अल्लाह पाक ने फरमाया सोनिया तुहानू नबी भी बनाया तुहानू अपना रसूल भी बनाया तुहानू शाहद भी बनाया मुबशर भी बनाया तुहानू नदीर भी बनाया दाई इलल्ला भी बनाया सिराज भी बनाया ते मुनीर भी बनाया। अल्लाह फरमाते ने ओ पैगंबर अल्लाह पाक ने सैयदा आमिना नू अता फरमाया जिदे बारे कुरान इस तरह भी तज़किरा करदा है। अल्लाह फरमाते ने या सीन वल कुरान अल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तकीम। केड़ा मुस्तफा कुरान दिया दो चार आयतां सुनो। अल्लाह पाक दा कुरान ऐलान फरमा रहा फरमाया वन नजमी इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु युहा। किते कुरान ऐलान फरमा रहा अल्लाह फरमा देने नून वल कलमी व मा यस्तुरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्न लक लअजरन गैर ममनून व इन्नका व इन खोलो के नादी। ते तर्जमा सुन लो तर्जमा सुन लो। सूरत जहानो सोनी सीरत कुरान लोगो मौलाना इकबाल कसूरी अल्लाह की कबर ते करोड़ा रहमतां नाजल फरमाए। जवानी अंदर टुर गया है अल्लाह उस दरवेश की कबर नू जन्नत दे नूर नाल मुनव्वर फरमा दे। फरमाया कर दे बड़े प्यार नाल सूरत जानो सोनी ते सीरत कुरान लोगो नूरी फरिश्ते आवन बन के दरबान लोगो सूरत जानो सोनी। अल्लाह लाला फरमांदे ने आमीन दा बेटा आली मोटे ते कमली काली खत्मे नबूवत वाली रब तो है शान पाली जिस ते दुरूद पढ़दा जिस ते दुरूद पढ़दा आप रहमान लोगो सूरत जहानो सोनी ते सीरत कुरान लोगो सूरत जहानो सोनी। ते गल सुनी बड़ी प्यारी गल सुन अल्लाह दे वली ने बड़ी प्यारी बात की थी फरमांदे ने रात मेराज वाली ते सुलेमान जय बख्तां वाले सब विच खड़ाए अल्लाह यूसफ जै तख्तां वाले रात मेराज वाली सुलेमान जै बख्तां वाले सब विच खड़ाए अल्लाह यूसफ जै तख्तां वाले आका नू मुसल्ला दे के सोने नू मुसल्ला दे के
बनाया इमाम लोगो सूरत जहानो सोनी ते सीरत कुरआन जाबर दिहांडी विचो लश्कर रजावन वाला तराजू दा टाइम आवे उम्मत बख्शावन वाला जाबर दिहांडी विचो ओ लश्कर रजावन वाला तराजू दा टाइम आवे उम्मत बख्शावन वाला सिद्दीक ते फरूक ले ले बंडन गे जाम लोगो सूरत जहानो सोनी ते सीरत कुरआन लोगो नूरी फरिश्ते जिस दे नूरी फरिश्ते आवन बन के दरबान लोगो। हाँ जी सुनिए अल्लाह उस पैगंबर ते करोड़ा रामता नाजल फरमा। एक बारी सारे पढ़ो हाँ सल्लल्लाहो अलैहि वालैहि वसल्लम। अल्लाह पाक दा कुरान ऐलान फरमा रहा है। अल्लाह नाज़ नाल ऐलान फरमान दे। अल्लाह पाक ने फरमाया वा अम्मा बिनिअमति रब्बी का फहदिस। ए मेरे आ सोनिया जी मेरे अल्लाह फरमाया जरा मेरिया नेमतां बयान फरमाओ मेरिया करम नवासियां बयान फरमाओ। अल्लाह जी थोड़िया केड़िया नेमतां केड़िया करम नवासियां। अबू ते मेरा दुनिया ते आन तो पहले ही तुसां बुला लिया। मां ने थोड़ी देर तो बाद जुदाइयां दे दितियां चंद दिनों तो बाद सालों तो बाद अब्बा सरदार अब्दुल मुतलब भी कबरां जा आबाद कीतियां। अल्लाह केड़ियां नेमतां दा जिक्र करदे हो फरमाया सुनिया अलम या जिद का यतीमन फआवा सोनिया असी बेशक तुहानू यतीम पाया लेकिन लोकां दे दिलां दे अंदर तुहानू मुकाम अता फरमाया। ए साडियां करम नवासियां ए साडियां रहमतां ते बरकतां। अल्लाह जी केड़ियां होर बरकतां फरमाया सोनिया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमी। अल्लाह पाक दा कुरान ऐलान फरमा रहा सुनिया सारे आलमीन वास्ते असा तुहानू रहमत बना के भेजिया है आलम दी जगह आलमीन। हजरात बाज ने मुफस्सरीन ने आखिया चार आलम ने बाज ने किया 18,000 आलम ने। सुनिए ध्यान नाल परिंदियां दा अपना आलम दरिंदियां दा अपना आलम इंसानां दा अपना आलम हैवानां दा अपना आलम बंदियां दा अपना जहान औरतां दा अपना जहान आबियां दा अपना जहान खाकियां दा अपना जहान। अल्लाह पाक दा कुरान बोल रहा है अल्लाह दियां रहमतां बोल दिया ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला काफतल लिन्नासी बशीरन व नदीरा वलाकिन अक्सरन नासी ला अल्लाह फरमाते ने सोनिया महबूबा सारे आलमा वास्ते तुहानू रहमत बना के भेजिया है। वायसदानी अल्लाह तेरी कबर नू मुनव्वर फरमाए। वो फरमाया करदे सन लोको जितो तक रब दी खुदाई है उतो तक सोने दी मुस्तफाई है। हजरात सुनिए ध्यान नाल अल्लाह पाक दे जनाब अपनी जात दा तारफ कराया इस अंदाज नाल भी जरा सुनते जाना। अल्लाह फरमाते ने सुन लो ध्यान नाल अल्लाह पाक दा कुरान आंदा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह फरमाते ने मैं रब्बुल आलमीन जदो बैतुल्लाह दी वारी आई अल्लाह फरमाते ने इन्ना अव्वल बैतिन वुदिया लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल्लिल आलमीन। मेरा घर हुदल्लिल आलमीन है। जदो कुरान दियां वारियां आईयां अल्लाह फरमाते ने इन्ना
हुआ इल्ला ज़िक्रुल आलमीन। ए मेरा कुरान ज़िक्रुल आलमीन है। ते जदों नबी पाक दियां वारियां आईयां अल्लाह पाक ने फरमाया सोनिया असी हद बंदियां तोड़ दितियां, असी ओ रुकावटां तोड़ दितियां कि एक नबी आया एक इलाके वाल, एक नबी आया एक बस्ती वाल, एक नबी आया एक जनाब शहर वाल, एक नबी आया लख वाल, दो लख वाल, कोई हजार वाल, कोई दो हजार वाल। लेकिन जदों सुनिया तुहाड़ियां वारियां आईयां अल्लाह पाक दा कुरान की आंदा है, फरमाया कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीया। अल्लाह पाक दा कुरान ऐलान फरमांदा है, अल्लाह पाक ने फरमाया ए दुनिया कायनात दे लोगो मेरा नबी एक वल नहीं, दो वल नहीं, शहर वल नहीं, पिंड वल नहीं, इलाके वल नहीं, बल्कि आका सारी दुनिया वल नबी बन के आए, सारी कायनात वल नबी बन के आए। और नबी नहीं बन के आए बल्कि फरमाया रहमत बन के आए और रहमतुल आलमीन बन के आए। मेरा नबी मर्द ली रहमत बन के आया, औरतां ली रहमत बन के आया, आप अपने ली रहमत बन के आए, बेगानियां ली रहमत बन के आए, सजना ली रहमत बन के आए, दुश्मना ली रहमत बन के आए, मर्दां ली रहमत बन के आए, औरतां वास्ते रहमत बन के आए, आबियां वास्ते रहमत बन के आए, खातियां वास्ते रहमत बन के आए, नूरियां ली रहमत बन के आए, नारियां ली रहमत बन के आए। अल्लाह पाक दा कुरान फरमा रहे है, फरमाया वमा अरसलना का इल्ला रहमतल आलमीन। कितना बड़ा असीम रहमत बन के आया, आइए सुनिए ध्यान नाल मेरे और तुसां दे पीर मुर्शिद जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आप एक दिन मक्के तो बाहर निकले, मक्के दा बड़ा वड्डा लीडर, मक्के दा बड़ा वड्डा पहलवान, मक्के दा बड़ा वड्डा चौधरी, मक्के दा बड़ा वड्डा सरदार, एक बड़ी खेडन वाला पहलवान अगो रुकाना बिन अब्दुल अजीज मिल गया। आप फरमांदे ने रुकाना यार तेनू पता नहीं लगा मैं दावत लैके आया। आंदा की दावत लैके आए हो? फरमाया मैं दावत लैके आया ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह तो इलावा मुश्किल कुशा कोई नहीं, अल्लाह तो इलावा हाजत रवा कोई नहीं, अल्लाह तो इलावा डुबियां तारन वाला कोई नहीं, अल्लाह तो इलावा बिगड़े कम संवारन वाला कोई नहीं। अमीर नवाज भी अल्लाह है, गरीब नवाज भी अल्लाह है, गंज बख्श भी अल्लाह है, रंज बख्श भी अल्लाह है। तो ये पलवान बंदा एदा दिमाग जिवें जिसम मोटा है, इवें दिमाग दियां सोचां भी मोटियां ने। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम नू आंदा है मेरे वास्ते की है? आका फरमांदे ने मैं ए दावत तेनू पेश कर रहा वा, मैनू अल्लाह दा नबी मन ले, अल्लाह दी तौहीद दा इकरार कर ले। आंदा मेरे नाल कौड़ी खेड लवो, जे मैनू ढा लवोगे ते मैं समझांगा तुसी अल्लाह दे सच्चे नबी हो, जे मैनू ना ढा सके मैं समझांगा तुसी सच्चे कोई नहीं। नबी अलैहिस्सलाम सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हजरत अगों गुस्सा नहीं फरमाया। लेकिन रहमत कितनी बड़ी, आप अलैहिस्सलाम दा हौसला कितना बड़ा। आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने ओए रुकाना अज तक कुश्तियां मैं कीतियां कोई नहीं, कबड्डियां मैं खेडियां कोई नहीं, अखाड़े अंदर मैं निकलिया कोई नहीं, लेकिन मेरे नाल कुश्ती करके जे तेनू जन्नत लब जाए मुहम्मद नू सौदा महंगाई कोई। फरमाया जे तू कुश्ती करके बाहर आ जाइए तो कुश्ती कर ले। सुभान अल्लाह। रुकाना ना जिवें ओ पहलवान करदे ने लंगोट कसिया चंगी तरह खाड़े अंदर निकल आया। अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ओवें ही खलोते रुकाना पिछा मुड़ के वेखिया
आंदा सरकार किते इरादा बदलते नहीं लिया। फरमाया ना ना ना, जेड़ा तेरा मेरा वादा होया है उस वादे ते पूरा उतरांगा, मैं तेरे नाल कौड़ी खेडन लई तैयार हाँ। आंदा सोने जे एक वारी ढा लवो ते 100 बकरी भी देंगा। फरमाया रोकाना मेनू तेरिया बकरिया की लोड़ नहीं, मेनू तो सिर्फ ये तांगे कि आ तेरा वजूद जेड़ा जहन्नम की अग तो बच जाए। अल्लाह अकबर। सैयदना रुकाना बिन अब्दुल अजीज अजे मुसलमान नहीं होया, अजे गल्लां बातां हो रही ने, आंदा 100 बकरी भी देंगा। अल असाबा दे अंदर लिखिया है नबी अलैहि सलातो असलाम नू आंदा लंगोट कसो, तुसी दे अखाड़े दे अंदर निकलना है, कपड़े उतारे कोई नहीं, तुसी किवें कबड्डी करोगे। आप फरमांदे ने रुकाना मैं अल्लाह दा सच्चा नबी आ, नंगा बदन लैके कदी मजमिया विच नहीं आउंदा। जेड़ा अल्लाह दा नबी होए ओ नंगा हो के मजमिया चाहुंदा, बोलो बोलो ओ कपड़े ला के कदी मजमिया चाहुंदा नहीं आउंदा। हजरात सुनिए ध्यान नाल, इत्थे कौम दा बेड़ा गर्क हो गया, किवें अकलां मारियां गईयां, जिन्ने पूरे जिस्म दा लिबास लाया है आंदा पूरा नंगा ते ए जनाब पूरा वली है, जे अद्धे कपड़े लाए ते अद्धा वली है। कोई जनाब बाबे दे सामने नंगे मुंह औरतां नूं बिठा के बैठा है, बाबे पीर चलानी दी फोटो ला के अगे बीबी नूं बिठाया है, इहनूं पुछा की है केड़ी औरत है, अए बाबे जिलानी दे कोलों दुआ भी कर दी है, बाबे जिलानी नूं आण के आंदी है मेरी बेटे दी बरात डुब गई है, इहनूं तार छड्डो। ओ पापिया की लोकां नूं दसने कि अल्लाह दा वली जिहड़ा नंगे मुंह औरतां वेंदा सी, ना ना ना, ओ ते अल्लाह दा वली सी, अल्लाह दा प्यारा सी, अल्लाह दा बरगजीदा बंदा सी। आइए सुनिए ध्यान नाल, किसे ने बुराक बना के और जनाब ट्रक दे पिछे औरत दी उहनूं फोटो बना के, औरत दी शक्ल बना के, मुंह पूरा औरत दा बना के थले परी बनाई है, ए की है, ए मिराज दी रात सरकार दी सवारी सी। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। ओ सुन लो ध्यान नाल, सही मुस्लिम दी हदीस है, मेरे नबी दे कोल औरतां आंदियां बैत करन वास्ते, नबी अलैहि सलातो सलाम दी मजलिस दे अंदर औरत आई है, अम्मा जी आयशा दे कोल बैठ गई, एक पंजराब दरमियान दे अंदर पर्दा लटक रिहा है, अम्मा जी आयशा नूं आंदी है, अम्मा जान मैं नबी पाक दे हाथ ते हाथ रख के बैत करनी है, जरा सरकार नूं बुलाया जाए, सरकार है ने घर दे अंदर। नबी अलैहि सलातो सलाम तशरीफ ले आए, पर्दे दे विचों इन्हें हाथ बाहर कढ़े, फरमाया आयशा सुन ले, इनू ऐलान कर दे, अपना हाथ पीछे कर ले, इनू कह दियो ला उसाफिहुन निसा, ला उसाफिहुन निसा, ला उसाफिहुन निसा, मैं अल्लाह दा आखरी नबी आ, ते जेड़ा रब दा नबी हुंदा है ओ औरतां नाल मुसाफे नहीं करदा। रब दा सच्चा नबी जेड़ा हुंदा है औरतां नाल मुसाफे, अल्लाह दा वली जिहड़ा हुंदा औरतां नाल मुसाफ है, जिहड़ा सही कुरानो सुन्नत दे मुताबिक रजिस्टर्ड वली हुंदा है ओ औरतां दा मत्था फड़ के दम करदा। ये दम करन लई मत्था फड़ के बैठा है, मत्था ही नहीं छड़दा, फिर आंदे ओ पीर है, ये पीर है, ये इज्जत दा डाकू है, पीर नहीं। सिर्फ इतने अल्फाज ही काफी। आइए सुनिए अल्लाह पाक दा कुरान ऐलान फरमा रहा है। अल्लाह पाक ने फरमाया लकद जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैकुम अनतुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। अल्लाह आंदे ने मेरे नबी दियां हिरसां हिरसां की ने कि मेरी उम्मत दा हर बंदा जन्नत दे अंदर चला जाए। सुनिए ध्यान नाल, नबी अलैहिस्सलाम नूं आंदा लंगोट कसो, आप फरमांदे ने रुकाना मैं अल्लाह दा सच्चा नबी आ, नंगे बदनो के मजमिया दे अंदर नहीं आया करदा। इन्हें अजनाब नबी पाक नाल हथ पला होया, हथ जोड़ी होया, आमना सामना होया, असाबा दे अंदर लिखी है नबी पाक ने इनू जमीन ते लिटा
ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਮਹਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਛਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਆਂਦਾ ਜੀ ਪੈਰ ਤਿਲਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦਾ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਐੜੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਆਓ 100 ਬੱਕਰੀ ਹੋਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰੋਕਾਨਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੀਆਂ ਤਸੱਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੀਸਰੀ ਮਰਤਬਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲਿਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੰਡ ਭਰਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲਿਟਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਛੱਡਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਤਸੱਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰੋਕਾਨਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਡੁੱਬ ਡੁੱਬ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦਿਲ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਂਦਾ ਰੋਕਾਨਾ ਜੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਬੂਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਅਰਬ ਦਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਕੰਡ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਿਆ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਕੰਡ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੇ ਖਾਲੀ ਬੰਦੇ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਨਬੂਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਥੱਲੇ ਪਿਆਈ ਪੜਦਾ ਹੈ, ਆਂਦਾ ਅਸ਼ਹਾਦੂ ਅੱਲਾ ਇਲਾਹ ਇਲਾਹ ਵਾ ਅਸ਼ਹਾਦੂ ਅੰਨਾ ਮੁਹੰਮਦਨ ਅਬਦੁਹੁ ਵਾ ਰਸੂਲੁਹੁ। ਹਜ਼ਰਾਤ ਸੁਣੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ ਐਲਾਨ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਮਾ ਅਰਸਲਨਾਕਾ ਇਲਾ ਰਹਿਮਤਲ ਲਿਲ ਆਲਮੀਨ। ਆ ਵੇਖਣਾ ਮੈਦਾਨੇ ਹੁਣੈਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸਿਆਪਾ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਗਾਲਬ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਗਾਲਬ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੰਗੇ ਹੁਣੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਨਬੀ ਅਲੀ ਸਲਾਤੋ ਸਲਾਮ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਨੇ ਇਲਾਕਾ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫਤਿਹ ਹੋ ਗਏ, ਹਵਾਸਣ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵੀ ਫਤਿਹ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਚੰਦ ਸਿਆਪਾ ਕਿਰਾਮ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਏ ਥੱਲੇ 6000 ਜੰਗੀ ਕੈਦੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਾਵਾਂ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ, ਔਰ ਜਨਾਬ 150 ਮਣ ਚਾਂਦੀ, ਔਰ ਜਨਾਬ ਸੋਨਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਮਾਲੇ ਗਨੀਮਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਇਧਰੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਇਧਰੋਂ ਨਾਲ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਕੈਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਬਦਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ, ਇਧਰੋਂ ਸੂਰਜ ਗਰੂਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਵਾਨ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰਾ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਪ ਬੇਟੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਲਾਕਾ ਫਤਿਹ ਹੁੰਦਾ ਰਿਵਾਜ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਾਤੇ ਫੌਜ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੰਗਰ ਤੇ ਢੋਰ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਪੱਟੇ ਨੋਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਆਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ, ਕੈਦੀ ਸੁੱਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਆਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਸੂਰਜ ਤਲੂ ਹੋਇਆ, ਆਸਿਓ ਪਾਸਿਓ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਆਂਦੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸ਼ਬ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਆਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਆਂਦਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਦਾ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਤਾ। ਆਂਦੇ ਸਾਜੀ ਸਾਈਡ ਖੱਬੀ ਸਾਈਡ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਦੀ ਵਾਲੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ, ਇਹ ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਐਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵਾਲਾ, ਐਡੀਆਂ ਤਰਬੀਜਤਾਂ ਵਾਲੇ ਲਸ਼ਕਰ ਦਾ ਸਿਪਾ ਸਲਾਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਇਦ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਰੱਬੀ ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਤਾ ਤੇ ਕਰੋ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਸਿਆਬੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਆਂਦਾ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿਬਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਪਾ ਸਲਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਲਾਹੌਰੀਆ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ, ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਔਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਇਸ ਕਦਰ ਕਮੀਨਾ ਬਣ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਿੱਠ ਦਾ ਲੜਾਈ ਦਾ ਝਗੜਾ ਜਨਾਬ ਪੈ ਜਾਏ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਫੱਡਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲ ਜਾਈਏ, ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫੱਡਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਬਾ ਲਈਏ। ਹਜ਼ਰਾਤ ਇੱਧਰ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਸੀਰਤ ਸੁਣੀਏ, ਰਹਿਮਤੁਲ ਲਿਲ ਆਲਮੀਨ ਦੀ ਸੀਰਤ ਸੁਣੀਏ, ਰਹਿਮਤੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵੇਖੀਏ। ਸਰਕਾਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੋ ਸਲਾਮ ਆਪ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਕਿਰਾਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਓਏ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ,
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्हें जो नाम सुनया है इन्हां कैदियां दे अंदर एक बुढ़ी जी माई है इन्हें कन दे अंदर नाम पै गया मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बीबी हुलारा जा लैके खड़ी हुई आंदी है फिर दस्या जे उहदा नाम की है। आंदा अम्मा जी उहदा नाम है मुहम्मद हाशमी पढ़ लो सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम। ये बीबी ने जदों सुनिया ना ते आंदी है मैं उन्हों मिलना चाहनी हाँ मैं उहदे कोल जाना चाहनी हाँ उहदे नाल गलबात करना चाहनी हाँ इन्हां कैदियां दे मसले दे अंदर मैं उन्हों अपना दुख सुनाना चाहनी हाँ। साहबांद ने बीबी तू एक कैदी औरत असूल कोई नहीं जंगी साबता कोई नहीं जंगी कानून कोई नहीं कि तेनों असीं उन्हां दी इजाजत तो बगैर कोल लैके जाइए। आंदी है पुत्रों मेरी तलाशी ले लो मेरे कोल हरबा कोई नहीं मेरे कोल छुरी कोई नहीं मेरे कोल तीर कोई नहीं तलवार कोई नहीं बिल्कुल वेली ते नहती औरत। आंदने बीबी असा इजाजत तो बगैर नहीं जान देना। ये शोर बुलंद होया नबी पाक ने आवाजा सुन लिया फरमाया मेरे सहाबा ये शोर किस गल दा ये रौला किस गल दा आवाजा किस गल दिया। अल्लाह दे नबी जी एक औरत है वो जिद कर दिए तुहानू मिलना चाहनी हाँ यह है कैदियों के विचों फरमाया इहदा रस्ता छड़ दिओ नबी पाक दे कोल आ गई। सुबहान अल्लाह मेरे नबी दा मुखड़ा वेखी जांदी सरकार दा चेहरा पुर अनवार बार बार तकी जांदी कदी सज्जों वेखिया कदी खब्बों वेखिया कदी कंड वाले पासे आ जांदी। आ फरमांदे ने बीबी तू है कौन है और बीबी तेरा मुतालबा की है पहले अपना तारफ ते करा ना। अम्मा तू केड़े कबीले चो है केड़े खानदान चो है केड़े पिंड चो आई है अल्लाह अकबर तू है कौन है ते लबड़ी की है। ये बीबी ने ना बड़ा सोना तारफ कराया है। अल्लाह ऐसे पीर दी क्यामत वाले दिन सफारिश नसीब फरमा। अल्लाह ऐसे रहमतुल लिल आलमीन दी सीरत नु समझ के सानू भी जिंदगियां बदलन दी तौफीक अता। अल्लाह बीबी पता की आंदी तारफ होने लगे आंदी है सुन वे पीर पीरां दे पीरा तू बैठा है विच कचहरी मैं परदेसन दूर तुराडी ते तू गल सुनी एक मेरी ते असी गरीब कंगाल निमाने ते तुसी सरदार उचेरे दुखां दर्दां वालियां गल्लां करनियां कुछ अज नाल मैं तेरे ते सोनिया तू कर साडे ओए परवरश पाई ते गल्लां याद कराइयां मैं शीमा मेरी मां हलीमा असी दोवें तेरियां दाइयां ते मां मेरी तेनू दुध पिलांदी ते मैं सां तेनू चांदी मैं नाल मुहब्बत तेनू चांदी ते सारा दिन खड़ांदी ते आका जी तू अज बन गया पीर जगांदा ते पाया ही शान उचेरा असहाबा तेरे पकड़ लियांदा कुनब कबीला मेरा ते रिश्तेदारां तरले कारण ले आंदा अज मैनों छड़ दे ओ कैदी ए परदेसी जे तरस आ जावे तेनों ते मोढ़ियां उत्तों
ओए कंबल लाके ते पाक रसूल इलाही हेठ वशाया शीमा कारण ते अदबा नाल ओ भाई साडे बुए ते भैण माड़ा जा नाराज हो जाए ना ते जे बाप दे मरण तो बाद साडे बुए ते आ जाए ते असी चाहिए ते पुत्रां कोलो बेइज्जती करा लिए चाहिए ते धीआं तो बेइज्जती करा लिए अपनी बीवी तो बेइज्जती करा दईए ओ ना ना ए नबी पाक दी दुध दी भैण है ते मोढ़ियां उत्तों ओए कंबल लाके ते पाक रसूल इलाही हेठ वशाया शीमा कारण ते अदबा नाल बिठाई असहाबा ने ओ नफरत की थी एक गैर मजहब दी माई ते चादर पाक मुसम्मिल वाली क्यों पैरां हेठ बिछाई ते रहमतुल आलमीन बोले आमिना दे लाल बोले नबी के हा ना नफरत करे हो ए अल्लाह तोर ले आंदी ए जे मेरी पैन रसाई जो मिनू रही खड़ांदी फरमाया शीमा की आनी है सोने आप बंदा छड़ाने ने ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਮਸ਼ੀਰਾ ਮੈਂ ਤਾਰਫ ਕਰਾਤਾ ਹਵਾਸਨ ਚੋਂ ਆਈ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਪਨ ਚ ਖਿਡਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਆ ਲੋਰੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਹਲੀਮਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸ਼ੀਮਾ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸਿਹਾਬਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਬੂਹੇ ਆਈ ਏ ਤੇ 6000 ਜੰਗੀ ਕੈਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ नबी पाक दी सीरत आ किरदार है ते हुण पुछो उस मेरे भरा नूं सारयां दी गल नहीं जिहदी भैण दी विरासत दे अंदर थोड़ी जी जमीन भी आंदी होवे ना एक मरला अंदर हुंदा नहीं इस तरह कर जे मेरे बूहे चढ़ना है ना ते ए मरला मैनू दे दे ते फिर तेरे लिए मेरा बूहा खुला है फरंट वाला प्लाट मैनू दे दे ते पिछली जमीन तू लै लै फिर मेरा तेरा तालक ते वास्ता वरना मेरा जीन मरण तेरे लिए खत्म हो गया हजरात सुनिए ध्यान नाल सुन लो ध्यान नाल एक कारोबार आ मैनू दे दे ओ तू लै लै ते भैणा नाल कारोबार नहीं करी दा भैणा नाल एहसान करी दाए भैणा नाल नेकी करी दी है इवें एहसान करी दाए जिवें नबी पाक ने कीता है वमा अरसलना इल्ला रहमतल लिल आलमीन हजरात मैं अर्ज किया अपने आली रहमत बेगाने आली रहमत 6000 बंदा नबी पाक दा किरदार वेखिया है आप दा विहार वेखिया है ये 6000 दा 6000 ही कलमा पढ़ के नबी पाक दा मुरीद बन गया आका अली सलाम दी सीरत वेख के मुसलमाना की बन गया अज तेरी मेरी सीरत वेख के क्यों नहीं गैर मुसलम मुसलमान बनता क्यों नहीं जनाब बेनमाज नमाजी बनता क्यों नहीं हराम खान वाला हलाल ते लगता वजह की है साडे अंदर वो करैक्टर कोई नहीं असा सोचिया ही कदी नहीं मैं पहले पिछले जुमे भी अर्ज किया जे नबी पाक की गल सुनाइए आंदा वो तो वड्डी हस्ती सी मौली साहब केड़ी गल करदे हो असी किवें उन्हां दी रीस करिए जे सियापा की गल सुनाइए आंदा जी वो तो पाक बास लोग सन असी किवें उन्हां नूं पहुँच सकने हैं हजरात सुनिए ध्यान नाल आइए कोशिश कीजिए सहाबा जैसा ईमान बनाइए नबी पाक वर्गी सीरत बनाइए आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा दौर आप दा प्यारा दौर मक्के दे अंदर मंडी लगी है लोकी आ रहे ने सौदा खरीद रहे ने सीरत रहमतुल आलमीन इन्हां गाकां दे अंदर एक मक्के दा चौधरी आ गया है मक्के दा सरदार भी आया है इन्हें भी सौदा खरीदिया है एक बार दे पेंडू दिहाती राशि बंदे दे कोलो इन्हें सौदा खरीद लिया है ते जदों पैसे देण दी वारी आई है अखां विखाण लग पिया ये मुछां विखाण लग पिया आकड़ां विखाण लग पिया आपने भी कई होंदे ने ना ओ बड़ा की
मुंडे ने जा उधर 2 किलो घ्यो भी लाया लै आंदा जा 10 किलो चीनी लै चीनी नहीं आ गई ते जो 15 दिन बाद मुंडे हाथ बिल बना के दुकानदार ने कलाया उन्होंने पिस्तौली पा के आ जाए तू मैनू जलील करना रे दस मेरे को केड़े पैसे लेने भाई अबू जाल का किरदार नहीं अपना नबी पाक का किरदार अपना है नबी पाक की सीरत अपनानी है क्योंकि अल्लाह पाक का कुरान आंदा लकद काना लकुम लकद काना लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना लिमन काना यरजुल्लाह वल यौमल आखिर वज़कर अल्लाह कसीरा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दौर दी गल सुना रहा हूं अबू जाल ने अमर बिन हशाम दा नाम बड़ा वड्डा चौधरी अपने आप के अंदर बड़ा वड्डा आकड़ खां ते बड़ा वड्डा फन्ने खां ये जनाब मक्के दा सरदार सदबंद है इन्हें ऊंट खरीद लेने पैसे देन दी वारी आई है अराशी नूं अखां कड्ढन लग पिया है एक दिन गुजरिया 2 दिन गुजरिया अराशी चलिया एक दिन आ गया दारुन नदवा दे अंदर जिथे वह काफरां दा डेरा सी जिथे उन्हां दी जनाब बैठक सी इहनूं विचारे नूं पता कोई नहीं है परदेसी बंदा है गरीब बंदा है मजदूर बंदा है मेहनत कश आदमी है इहदे पैसे मरदे ने पे मक्के शहर दे अंदर आके दारू नदवा वालियां नूं कहण लगा आंदा ओ चौधरी ओ मक्के दा एक चौधरी है अमर बिन हशाम इहदे नाम तो घट वाकफ अबू जाल इहनूं कहा जांदा है हजरात आंदा है इह मेरे कोलों ऊंट लै आया है ना पैसे देंदा है ना ऊंट वापस करता है ते तुहाडी भाई बड़ी मेहरबानी है मेरे पैसे वापस दवा दिओ या ऊंट मेरा वापस लै दिओ आंदे ने ओ गल सुन लै इन्हां दे ज़हन दे अंदर शरारत सूझी जिवें पिंडां दे अंदर अक्सर बंदे कलोनियां दे अंदर महल्लियां दे अंदर इन्हां दा ज़हन हुंदा है इहनूं वी लड़ाओ ओहनूं वी लड़ाओ दो इहदे नाल टुर पै दो ओहदे नाल टुर पै होर कुछ नहीं ते कचहरियां दी चाह चल के पीवांगे इन्ना लिल्लाह नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जेड़ा मेरे उम्मतियां दे दरमियान लड़ाई पवांदा है ओदा मुहम्मद नाल तल्लक ही कोई नहीं ते पिंडां विच अक्सर बंदे एवें दे हुंदे ने लाई बुझाई करन वाले दोवां नूं लड़ा दित्ता ते दो किहदे नाल टुर पए ते दो ओहदे नाल टुर पए हैं ए दारुल नदवा दे अंदर बैठे झूठे चौधरी ओ बेचारा ओहनूं की पता सी बेवी ओहदे नाल दे ओहदे कोल चले गए आंदा भाई तुहाडी बड़ी मेहरबानी मेरे पैसे दुआ दिओ इन्हां नूं शरारत सूझी भी अबू जाल दे बूहे ते कौन जाए साडे विचों है ते साडे नाल दा ही है कहण लगे इन्हूं मुहम्मद वल टोरने आ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक ने इन्हूं मोड़ना कोई नहीं दुश्मन भी मनदा नबी ने इन्हूं मोड़ना नबी ने मोड़ना कोई नहीं ए जाएगा नबी पाक नू लेके अबू जाल सोने नू गालां कढ़ेगा झट साडा हासा माहौल बन जाएगा शुगल हो जाएगा अल्लाहु अकबर कबीरा ये आंदे ने यार गल सुन पैसे लेने ही आंदा हाँ हाँ लेने ने आंदे यार ओ ते वड्डा बंदा है जिहड़ा बैतुल्ला दे अंदर बैठा है साडी ते मनदा कोई नहीं तेरे कहण ते ओ नाल चला जाएगा तेरी गल मन लवेगा चौधरी बंदा ओदी मिन्नत करी बैतुल्ला दे अंदर बैठा होएगा ये आ गया बंदा मुसाफर ते परदेसी बंदा इन्हां दे कहण ते आ गया है पिछों इन्हां जसूस भी घला दिता है जदों रौला पवे ते सानू भी दस देवी जदों अबू जाल अगों मंदा बोले सानू भी बुला लवी झट ठट्ठा मखौल ही करांगे ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला कुरबान सोणिया मैं तुहाड़ियां अजमतां तों कुरबान तुहाड़ियां हौसलियां तों ये अराशी बंदा बैतुल्ला दे अंदर आ जांदा है आण के सलाम अर्ज करदा है आप फरमांदे ने बई आउण वालिया मैं तेनू जानदा कोई नहीं मेरा तेरा पहले तल कोई नहीं आंदा जी बिल्कुल तुसी मैनू नहीं जानदे फरमाया मैनू लगदा तू मक्का
मक्के दा रहन वाला भी नहीं। आंदा बिल्कुल इस तरह ही है, मक्के तो बाद एक पिंड बस्ती है मौसा अराश, मैं मौसा अराश दे रहन वाला वा। आप फरमांदे ने दस फिर किवें आया है? आंदा सुने तुहाडे शहर दे अंदर एक चौधरी है, उन्हें मेरे पैसे मार लेने, ऊंट ले लेने, ना ऊंट वापस करता है ते ना पैसे वापस करता है। सोनिया एक एक दे बुए ते गया वा, सारे मेनू मोड़ दिता है, ते तुहाडी बड़ी बड़ी मेहरबानी, मेनू वापस ना मोड़े आ जाए, मेरे नाल टुरो, मेरे पैसे मंजने ने मेनू दवा दो, तेरे मक्के शहर दे अंदर मेरा पैसा पिया डुबदा है। अल्लाह दे महबूब फरमांदे यार वो बंदा कौन है? वो सरदार दा नाम ते दस। आंदा जी बंदा बड़ा कब्बा है, बंदा बड़ा जनाब डाडा है, ओदा नाम है अमर बिन हश्याम। नबी पाक ने जदो सुनिया ना अबू जाल दा नाम सुनिया, क्यों भी अबू जाल नबी पाक दा दोस्त सी के दुश्मन? फिर बोलो दुश्मन ते मुढ़ दा दुश्मन, सब नालो बड़ा दुश्मन। बल्कि एक तारीख की रवायत आ रही है, नबी पाक ने फरमाया मूसा दा फिरौन छोटा ही, मेरा फिरौन वड्डा है। फरमाया भी तेनू आख्या कि ने भी मेरी गल बड़ी मन सुनो, जो डेरे च बैठे हो ना के सुभान अल्लाह, सरकार समझ गए भी इन्हें शरारत की है। फरमाया अराशी सुन, जे तेरे पैसे मेरे जान नाल मिल जान ते मैं तेरे नाल जान ली तैयार। परदेसी बंदा अराशी बंदा, फरमाया मैं तेनू जानदा भी कोई नहीं, पर मेरे जाया जे तेरे पैसे मिल जान ते होर की चाहिदा, चल मैं तेरे नाल चलना वा। अलाशी दिल दिल दे अंदर बड़ा परेशान होया, एवें कदी किसे चौधरी ने एवें आखिया नहीं, हामी भरी कोई नहीं कि चल मैं तेरे पैसे लैके देना। अगे अगे नबी पाक जा रहे ने, पीछे पीछे ये परदेसी जा रहा है। कुर्बान सुनिया तुहाडी असमत तो अल्लाह वाले हो, यही मेरा पैगाम है। नबी पाक दे पीछे लग के चल पवो, दुनिया भी चंगी ते आखरत भी चंगी। नसीबा वाला वो अराशी जिहड़ा सरकार दे पिछे पिछे जा रहे आवे, साडे हां की हुंदा है? गरीब नाल पहले ते टुरदा ही कोई नहीं, जे टुर पवे ते आंदा गड्डी लैके आ, वो आंदा थाने तक जाना है, आंदा सीटां दी डब्बी भी लैके आ, सीटां भी पीवांगा, बोतल भी पीवांगा, रोटी भी चंगी खावांगा ते गड्डी ते बह के जावांगा। वो बेचारे दा पता नहीं कम बनना है कि नहीं बनना, इस बेईमान ने अपना कम बना लिया है। हजरात सुनिए ध्यान नाल, नबी पाक ने कुंडा भी आप खड़काया, अबू जाल अदरों बार आया है, आंदा मन अकराल बाबू खड़कान वाला कौन? आप फरमांदे ने आना मुहम्मद, मेरा नाम मुहम्मद है। सारिया तेज तरारियां भुल गया, सारिया चलाकियां भुल गया, आकड़ा भुल गया, आप दा नाम सुनिया ते बार आया। आका फरमांदे ने पैसे लिया के दे, आहाड़ियां जड़ियां परे होंदियां ने ना, सारी रात लंघ जांदी है, वह भी कसमां चुकदा है, मुद्दा लै भी कसमां चुकदा, मुद्दा ही भी कसम। ते अद्धी रात ले एक बंदा बोलिया ने यार सवेरे ड्यूटी भी जाना है, मेहरबानी को टक लाओ। एक आख्या मैं दुकान खोलनी तुहाडी मेहरबानी, बन्ने लाओ। ते पुछाया साडी पता की करदी है? एडे मुनसफ हां असी, एडे मुनसफ, इंसाफ पसंद। आंदे ने चलो इंज करो, अद्धे इहनू पा दिओ ते अद्धे उहनू पा दिओ, झूठे सच्चे दा नतारा ही कोई नहीं। अद्धे नूं पा दिओ, फरमाया दे पैसे देने नहीं। आंदा सोनिया देने ने, फरमाया फिर देंदा कोई नहीं, लिया के दे। अबू जाल दौड़िया गया, पैसे लिया के दिते, नबी पाक ने अराशी नूं दिते, अराशी नाले पैसे लेंदा जा रहा है ते नाले कलमा पुकारदा जा रहा है। आंदा अशहदु अल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अगों जसूस भी आ गया, अगों दारू नदवा वाले भी आ गए, भी रौला नहीं पिया, झगड़ा नहीं होया। आंदा यार की पुछदे हो? अज ते अबू जाल भेड़ ही बन गया, भेड़ ही बन गया, गल ही नहीं उन्होंने आई। उन्हें अबू जाला तेनू की बनया? आंदा जे सच्ची पुछदे हो ना, जो सरकार ने आख्या ना पैसे देने ही, मुहम्मद ने आखा पैसे देने ही सल्लल्लाह, ते मैनू इंज लगता ही जिवें मोढ़ियां दे नाल दो ऊंट खड़े ने, जे मैं आख्या ना नहीं देने, इनकार किया तो मैनू कच्चे नू खा जाणगे। वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास,
वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। ओए भी मेरे नबी दी सीरत परदेसी बंदा भी तरला मारदा है ते नबी पाक ये नहीं आंदे भी मैं तेनू जानदा ही नहीं, जे मेरे जायो तेरे पैसे निकलदे ने ते चल मैं तेरा कम करन लई तैयार हां। आही उडे ढिडो पलीत हां ते आने मेरे जायो ते तेरा कम बिगड़ जाएगा, मेरे जाया तो इंज हो जाएगा। वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, जे नबी मने सरकार दियां रहमतां नूं भी तस्लीम कीजिए, अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए।